आयोग अध्यक्ष द्वारा शहर के सभी 33 वार्डों में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 27 मई से 15 जून तक चल रहे इस महाअभियान में गौरीशंकर बिसेन के द्वारा स्वयं वार्डों में घूमकर वार्डवासियों की समस्या और स्वच्छता का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें 29 मई को उनके द्वारा विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया गया और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। शहर के सभी 33 वार्डों में स्वच्छता को लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 26 मई से 15 जून तक चल रहे सफाई अभियान पर आयोग अध्यक्ष द्वारा 29 मई को भी विभिन्न वार्डों में जाकर वार्डों में फैली अव्यवस्थाओं एवं स्वच्छता को लेकर वार्डवासियों से उनकी समस्या पूछी गई, जिसमें उन्होंने स्वयं वार्डों में जाकर देखा कि वार्डवासियों को लंबे समय से वार्ड में जल भराव, पक्की नाली, पक्की सड़क और मूलभूत सुविधाओं से परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा स्वयं उनसे उनकी समस्या पूछी गई एवं उसे तुरंत ही दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो कि बरसात से पहले करवा दिए जाएंगे। उनका मानना है कि वार्डों में बहुत सी छोटी मोटी समस्याएं हैं जिन्हें समय रहते दूर कर दिया जाएगा। वहीं वह स्वयं अब सभी वार्डों में पहुंचकर वार्डों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही सभी अमले को भी वह साथ लेकर चल रहे हैं ताकि जिस भी विभाग का काम हो या जिस भी विभाग से संबंधित समस्या हो उसे वहीं वार्ड में पूर्ण कर दिया जाए ताकि कार्य अगले दिवस के लिए पेंडिंग ना रहे। वहीं प्रेसवार्ता में चर्चा के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि जब उनके द्वारा वार्डों का भ्रमण किया जा रहा था तब वह कॉलोनाइजरों के द्वारा काटे गए प्लॉटिंग में भी उनके द्वारा देखा गया कि बहुत से कॉलोनाइजर नियमों का पालन न करते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उनके द्वारा आज वार्ड सफाई के दौरान देखा गया, जहाँ पर कोई व्यक्ति कॉलोनाइजर द्वारा नाले की जमीन पर रोड बना दिया गया है, जिसके कारण वार्ड से निकलने वाला पानी रुक गया है एवं पानी की निकासी बाधित हो रही है, जिसे उनके द्वारा संबंधित विभाग को बोलकर नोटिस देकर कार्यवाही करने की बात कही गई है। उस क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट रोड के एक्सटेंशन की बात आई, छोटे जो पुलिया होते हैं रोड क्रॉसिंग पुलिया, इनकी बात आई, जैसे टावर के पास गुपचुप वाले के पास एक छोटा सा पुलिया चाहिए, साबरी मस्जिद के पास में पुलिया चाहिए, साबरी मस्जिद के पीछे वाले रोड 300 मीटर सीसी रोड की उनकी मांग आई, पैरागान वालों के मकान के पीछे मस्जिद के पानी फोर्स नहीं है, वहाँ पे पीने के पानी में असर भाई और जो KGN मस्जिद के सामने 30 मीटर एवं प्रिंस कॉलोनी रोड में 50 मीटर पाइपलाइन के विस्तार की बात आई, पार्षद तिरके घर के सामने 50 मीटर पानी के पाइपलाइन विस्तार की बात आई, KGN मस्जिद के आगे वाली 50 मीटर रोड ये पेवर ब्लॉक लगाने के यहाँ पे मांग आई, फिरोज बाजी के मकान के सामने 2-3 बिजली के खंभे की मांग रही है, प्रिंस कॉलोनी में 5 बिजली के खंभों की मांग आई है, 500 मीटर WBM सड़क उस कॉलोनी में उन्होंने डिमांड रखा जहाँ नए घर बने, हालांकि प्रिंस कॉलोनी का रोड विधायक निश्चय ने पिछले बार पूरा बनाया था, माधुरी रेंजर भोले वालों का नाला 9, 15, 16 और 8 से आने वाली पानी को डाइवर्ट करने की बात आई, सारे खुले नालों को पैक करने के लिए भी लोगों ने कहा है, और इसी के साथ साथ उस वार्ड नंबर 8 में भी कल जाना हुआ तो परमात्मा एक निवास से अजगर मिस्त्री के घर तक 10 मिनट सीसी रोड 100 मीटर आनंद केहरी के आगे नाली में गोबर भरा है, नाली भैंस पालन करते हैं गोबर भरा है, नाली की सफाई की मांग आई, और इस तरह से कल हमने क्योंकि मैं दूसरे काम में व्यस्त था सतत संपर्क में रहा और वार्ड नंबर से पीछे, आज हमने वार्ड नंबर
वैसे में 5 कर्मचारी जो मेरे भोपाल नहीं गया, 4 में हमने जो हमारा काली मंदिर वाली गली है इस पूरे क्षेत्र में बहुत देर तक एक ही गली को पूरा घुमा है और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे उसमें रेलवे पुलिया कनाटोला इसका क्रमांक 64 या 62 होगा कि आने वाला पानी पूरा दिशा में जो नाले में जाता है वहां पे दिया रेलवे की तरफ से बात करो पहला पुलिया और दूसरा पुलिया पाइप पुलिया उससे पानी की निकासी नहीं होती। तीसरे पुलिया क्या है अच्छे तीसरे पुलिया तक दूरी होती 200 मीटर उस नाले का निर्माण की आवश्यकता है वहां से वो दक्षिण को डाला जाता है और दक्षिण से फिर पूर्व को टर्न होकर के मैं सुरन जी को जो कॉलोनी कहती है वहां के सड़क के किनारे नाले में उठता है। हमने देखा कि जो नाला अभी है जो किसान वकील साहब के राट के सामने से जाता है उस नाले का गहराई है लेकिन जो मैं सुरन जी को कॉलोनी का जो नाला बनाया उस नाले का ऊंचाई वहां का पानी का निकासी शून्य जैसा है। हमने इसको 2 पार्ट में लेने का निर्णय लिया है। एक तो जो छोटे 2 पुलिया हैं उनका एस्टिमेट हमने आज शाम तक मंगाया यदि उनकी लागत 1 लाख से कम आई तो बहुत छोटे पुलिया हैं। अभी पाइप पुलिया हैं 2-2 से एमएम के ऐसे 600 से एमएम के 600 एमएम के उसको हम जो बॉक्स कलर पुलिया या वाल वाले पुलिया बनाएंगे मुझे लगता है 1 लाख के अंदर बन जाना चाहिए। 1 लाख के अंदर बनेगी तो 30 लोगों तक का हमको बनाएंगे उससे पानी की निकासी ठीक हो जाएगी। आज ही हमने नालों की युद्ध स्तर को सफाई अभियान शुरू किया जहाँ पे जलकुंभ इत्यादि और अन्य पानी में बनपने वाली प्रजातियां हैं उनका सफाई अभियान चल रहा है। हो सकता है कि आज शाम तक या कल 12 बजे तक नाले को 200 मीटर ओपन कर दिया जाए कचरा निकाल दिया जाए। 200 मीटर के बाद जब हम भैया रोड की तरफ जाते हैं तो 100 मीटर ऐसा क्षेत्र है जो ऊपर है वहां पर तो बिजली के खम्भे उनको शिफ्टिंग करनी होगी। सामने मस्जिद वाली गली है छोटी सी 100 मीटर की उसको सीमेंटेड रोड बना करके वो पानी नाले में गिर जाए फिर जब वो पूर्व दिशा को जाती है तो वो लंबाई बॉक्स के 150 मीटर होगी वहां तक एक पार्ट होगा जिसको नगर पालिका परिषद इसका एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन जैसे पीडब्ल्यू के किनारे आते हैं हमने पीडब्ल्यू के एसडीओ को बुलाया इसमें प्रभारी रेड्डी दुवारे जी जो ड्राफ्टमैन है उनको हमने कहा कि वहां से लेकर के वो बड़ा वाला पुलिया जो हमारे भैया रोड पर बना है वहां तक पीडब्ल्यू बड़े पैमाने पे लोगों ने अपने वहां पे प्रतिष्ठान बना लिया है उनकी भूमि स्वामी हक की जमीन के आगे बढ़कर नाले के ऊपर खुलेआम कब्जा है। हमने एसडीएम से कहा है कि उनको नोटिस दें वे कब्जे को बेदखल कराएं लोग स्वतः कब्जा छोड़े एक कार्रवाई कानून कार्रवाई चलते रहेगी दूसरी उस पार्ट के लिए नाला बनाने के लिए पैसे के प्रबंधन की कार्रवाई भी हम चलाएंगे। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने यह भी बताया कि वार्ड में बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अभी भी रुके पड़े हुए हैं। बाहर के ठेकेदारों के द्वारा कम पैसों में टेंडर तो ले लिया गया है किंतु अब टेंडर महंगे होने की वजह से और कमीशन खोरी के चक्कर में अब काम नहीं कर रहे हैं जबकि ऐसे बहुत से ठेकेदार हैं जो कि बाहर से हैं जिनके द्वारा कम पैसों में टेंडर तो डाल दिया गया है किंतु अब काम महंगा होने के कारण अपने लिए हुए काम के टेंडर को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही करने की बात कही है और उनका कहना है कि जब उनके द्वारा टेंडर भरा गया है तो काम क्यों नहीं किया जा रहा है। वार्डो में इतनी सारी समस्या आपने बताया अभी तो इसमें क्या कोई काम ही नहीं हुआ है कि अभी तक नगर पालिका एक बार लगा दिए थे कि रोड नहीं तोड़ नहीं तो 10 लाख रुपये मैंने लिया 16 लाख और रोड बनी वार्ड नंबर 4 की 20% 30% बिलों में ले लेते हैं
फिर ले लेते हैं कि हमको मिल जाए। फिर जब देखते हैं कि यहाँ तो एडजस्टमेंट करने की गुंजाइश नहीं है तो काम छोड़ के भागते हैं। अभी आपको बता रहा हूं मैं, कोल शिफ्टिंग के लिए बाहर के ठेकेदार आ गए, बाहर के ठेकेदार आए, ओपन भरने की छूट है हाल नहीं, लेकिन काम तो करें, कोई डबरा काता है तो कोई सतना काता है। अभी वो सतना वाले ने हमारे यहां का काम लिया पावनी नगर का वार्ड नंबर 4, आधा गौरी सतना ने पैसा दिया है, आपका पैसा विधायक ने का आधा जनभागीदारी का है। मेरे से बात हुई तो बोले मेरे को नगर पालिका पैसे मांगती है, मेरे का पैसा गौरी सतना का, नगर पालिका पैसे मांगेगा गौरी शंकर मिशन का पैसा विभाग को है, नगर परिषद को मतलब है नहीं, जनभागीदारी का पैसा विभाग में गया, बेकार का नगर परिषद को बदनाम करना। विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि जिस संस्था को हम लिखेंगे उस संस्था में जाएगी, ले लिए बिलों में 30% 20% में हम नहीं बना सकते तो बाहर नहीं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि शहर में किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण से यदि जनता को नुकसान हो रहा है तो वह वहां का अतिक्रमण हटाया जाएगा। और उन्होंने साफ कह दिया कि किसी भी पार्षद हो या नगरपालिका अध्यक्ष हो या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अब कड़े फैसले लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी। किसी भी पार्षद को, किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष को, किसी भी नगर पालिका के सीएम और उसके अधिकारी को, किसी भी राज्य सभा के अधिकारी को किसी भी तरह का अतिक्रमण कराने की अनुमति नहीं है। लेकिन नाले पे रोड बना दिए बोल रहे भाव, अतिक्रमण तो नहीं हुआ होगा, अतिक्रमण पहले से ही हुआ होगा, वार्ड सुपरवाइजर है, प्रभारी है, छोटे प्राणी होते वार्ड सुपरवाइजर प्रभारी तो है, जानते हो कोई कर्मचारी है। जब तक आगे श्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि अब पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने को लेकर शीघ्र ही प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिले के थोक एवं फुटकर व्यवसायियों के साथ जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अब जिले को पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने को लेकर कार्य करना है। हम आने वाले एक दो दिन में अभी हम कलेक्टर साहब से परामर्श करके बालाघाट के थोक फुटकर व्यापारी बंदियों के बड़ी बैठक आउट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सेकेंड अभियान है बालाघाट में पॉलिथीन मुक्त बालाघाट, जो हमारी संकल्पना है उसको साकार किया जाए।